हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आली स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश यादव। आज हम बात करने वाले दोस्तों महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता की समानताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो महान्यायवादी पहला टॉपिक क्या है हमारा दोस्तों, महान्यायवादी। महान्यायवादी को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। उसी की समानता में देखिए महाधिवक्ता, महाधिवक्ताओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारत सरकार का यह प्रथम विधिक अधिकारी और कानूनी सलाहकार होता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी एवं कानूनी सलाहकार होता है। तो वहीं दोस्तों ये जो महाधिवक्ता है ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी एवं कानूनी सलाहकार होता है। तो दोस्तों बस इतना फर्क है, ये भारत सरकार का होता है, ये राज्य सरकार का। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। अर्थात ये राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति इसको नियुक्ति देता है और ये राष्ट्रपति जब तक चाहता है ये तब तक अपने पद पर विराजमान रहता है। यही बात है यहाँ पर राज्य में महाधिवक्ता के लिए, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक एडवोकेट जनरल अपने पद पर बना रहेगा। इसकी योग्यता देख लेते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो दोस्तों। अटॉर्नी जनरल जो बनना है वो उच्चतम न्यायालय भारत अर्थात भारत के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और महाधिवक्ता में दोस्तों यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। चलिए दोस्तों, इसे संसद के किसी भी सदन में बोलने की या कार्यवाही करने का अधिकार है। इसे जो अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, इसे संसद के किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही करने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं। इसे भारत में कहीं भी किसी भी संसद के सदन में बोलने का अधिकार है परंतु इसे मत देने का नहीं। अगला इसी से चलते हैं दोस्तों, एडवोकेट जनरल को विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही करने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं। तो दोस्तों सिमिलैरिटी इसमें यही है कि ये भारत सरकार और राज्य सरकार के हैं। तो चलिए फिर से इसको बारे एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। इसका संविधान अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, इसका संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी और कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी एवं कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों इनकी योग्यताएं, अटॉर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अटॉर्नी जनरल को इसे संसद में किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही करने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं। उसी प्रकार इसे विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही करने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।